नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडियन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं सूर्य ग्रहण में आंखों को कैसे बचाया जाए। इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर नेत्र सर्जन श्री सुरेश पांडे जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन सूर्य नेत्र चिकित्सालय एवं ब्लेसिक लेजर सेंटर कोटा। आज आपको सूर्य ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य ग्रहण के समय अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। नंगी आंखों से सूर्य की तरफ नहीं देखें, अन्यथा आपकी आंखों के पर्दे में स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में एक्लिप्स ब्लाइंडनेस, सोलर रेटिनोपैथी अथवा इक्लिप्स रेटिनोपैथी भी कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि एक्लिप्स ब्लाइंडनेस क्या है। सूर्य ग्रहण के दौरान नंगी आंखों से सूर्य की तरफ देखने से सूरज की परावर्तित किरणें आंखों की पुतली के थ्रू प्रवेश होकर आंख के पर्दे यानी कि रेटिना पर जाती हैं। आंख के पर्दे यानी कि रेटिना का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है उसे हम मैकुला कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के दौरान नंगी आंखों से सूर्य की तरफ देखने से आंख के मैकुला पर दुष्प्रभाव हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई देना, नज़र कम होना, पास की चीज़ें पढ़ने में नहीं आना अथवा कलर फीके दिखाई देना अथवा लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना आदि अनेक लक्षण हो सकते हैं। मेडिकल साइंस में सोलर ब्लाइंडनेस या एक्लिप्स ब्लाइंडनेस का कोई संतोषजनक उपचार नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका उपचार है। अतएव सूर्य ग्रहण के दौरान अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें और सूर्य ग्रहण को आप टीवी पर देखें। धन्यवाद।